हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलम फूड रेसिपी में। आज हम कुल्थी की सब्जी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी होने वाली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम कुल्थी लिए हैं। कुल्थी कुछ इस तरीके से होती है, इसे अब काट लेंगे। इसे काटने के बाद धुल लेंगे। इसमें थोड़े बहुत रेशे होते हैं, इसको काटते जाएंगे और रेशे को निकालते जाएंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस में काटने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटने हैं। इसी तरह सभी कुल्थी को काट लेंगे। इसे बहुत लोग ग्वारफली भी कहते हैं और बहुत लोग पतली वाली सेम भी बोलते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी कई तरीके से सब्जी बनती है, लेकिन हम आज कुछ अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं। सभी कुल्थी कट चुकी है, इसे अब अच्छे से धुल लेंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दो हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा अदरक, दो पोटी लहसुन छीलकर साफ़ कर लिए हैं। इसे अब मिक्सी के जार में डालेंगे। आप चाहें तो इसमें लहसुन को थोड़ा कम करके प्याज भी डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे काली वाली सरसों, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब आगे प्रोसेस पे चलते हैं। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा मेथी डालेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। मेथी कलर चेंज होने के बाद इसमें डालेंगे कटी हुई कुल्थी। इसे कलर चेंज होने तक थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, इसे थोड़ा सा और भून लेंगे। अब इसमें जो पेस्ट तैयार किए थे उसको डाल देंगे। जार में पेस्ट लगा हुआ है, इसमें पानी डालकर थोड़ा सा धुल के डाल देंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। गैस को तेज नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ी चम्मच सब्जी मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा मूंगफली लिए हैं, इसे पानी में भिगा दिए थे आधे घंटे के लिए। इसे धुलकर साफ़ कर लेंगे। इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत ही बारीक पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पर इसे चेक करते हैं। ये देखिए कुल्थी पक चुकी है, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हल्का सा भूनने के बाद इसमें मूंगफली के पेस्ट को डाल देंगे। जार में थोड़ा सा मूंगफली का पेस्ट लगा था, इसमें पानी डालकर डाल देंगे इसको। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है। कुल्थी की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल सभी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये कुल्थी की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे इसी तरीके से बनाकर देखिए, यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी खाएंगे और तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।